हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो बहुत भाई का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई फ्री फायर थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाओ, तो आप देख सकते हो आपके लिए मैं लेके आया हूँ फ्री फायर का एनिमी वाला थंबनेल जो कि इस टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। और फ्री में थंबनेल चाहिए तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। चलिए बिना देरी के यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे और टूल पे जाके क्रॉप पे आपको चले जाना है और यहाँ से आपको 16:9 रेशियो में इसको सेलेक्ट करके क्रॉप कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, वीडियो को पूरा देखना है। आपको बीच में ही बता दूंगा पीएनजी आपको कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले स्क्रीनशॉट को यहाँ पर क्रॉप कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, और फ्री में थंबनेल चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक आपको वॉच करना है। अब आपको यहाँ पर सेव का एक आइकन मिलेगा, उस सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आपका क्रॉप वाला पार्ट है ये क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉप कर लिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सेव भी कर लिया है। अब आपको पहला स्टेप है टूल पर जाना है, यहाँ से आपको चले जाना है ऑब्जेक्ट पर, सैचुरेशन को आपको यहाँ पर 100% माइनस कर देना है और अब आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहां से चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन में। अब मैं जो पीएनजी यूज करूंगा यहां पर देख सकते हैं कैरेक्टर की, ये मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के चैनल पे जाके उसको ज्वाइन हमारा कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर वहां पर कंप्लीट हो गए हैं टेलीग्राम पे, तो इसलिए जाके और ज्वाइन कर लेना जितना हो सके, और सारी पीएनजी आपको वहीं मिलेगी ये, तो जरूर वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है तो जाके उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कैरेक्टर पीएनजी मैंने यहाँ पर लगा दी इसको। अब आपको स्टिकर पे जाना है और यहाँ से आपको एक स्टिकर पीएनजी ऐड कर लेना है। तो इसको मैंने ऐड करा, टू कॉपी आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है और इसको मूव डाउन भी कर लेना है और ब्लेंड ऑप्शन पे जाके इसको आपको ऐड पे सेलेक्ट भी कर देना है। आप स्क्रीन भी कर सकते हो या इसको आपको ऐड पे करना ऐड पे कर लेना, आपकी मर्जी है। और इसको आपको बैकग्राउंड के पीछे कर देना है, देख सकते हो। और ये हमारा परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हो गया है और इसको यहाँ से हम इसको कर लेंगे डन। अगर इसका कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। अब आपको बॉर्डर पे जाके अपने कैरेक्टर को हल्का सा आपको बॉर्डर दे देना है वाइट कलर का, और 5% यहाँ पर इसको बॉर्डर देके आपको राइट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पर पहले तो ये लग गया एनिमी अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना है वो आपको देखना है, ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट ऐड करा था उसी वाले को लेना है, यहाँ पर सेव जो कर रहा था हमने, और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना आपको। और इसको अब मैं यहाँ से पहले इसके कैरेक्टर को क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने बाद आपको रिमूव बिजी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपका बैकग्राउंड जो कैरेक्टर का है रिमूव हो जाएगा। और अब आपको अपने कैरेक्टर को जो आपका प्लेयर है देख सकते हो यहाँ पर इसको आपको लगा देना ऊपर की तरफ। तो हमारा परफेक्ट तरीके से हो गया देख सकते हो। अब आपको यहाँ पर लाइटिंग ऐड करनी है और बॉर्डर भी देना है। तो यहाँ से मैं बॉर्डर दे दूंगा पहले, तो यहाँ से मैं बॉर्डर 4 या 5% आपको रख देना है। बॉर्डर का यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पीएनजी ऐड करनी होगी अपने कैरेक्टर के ऊपर। स्टिकर पर आपको एक बार क्लिक करना है, लाइटिंग इफेक्ट वाली जो पीएनजी है उसको लेना है आपको, और यहाँ से आपको ऐड पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर इसको अपने कैरेक्टर के ऊपर लगा देना है। इसको हल्की सी इसकी लेंथ को आपको नीचे की तरफ कर देना है और अब आपको ऊपर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। ऑब्जेक्ट पे जाना है, यू पे जाना है, इसके आपको कलर को चेंज कर लेना है। जिस कलर के अंदर आपको लाइटिंग इफेक्ट रखनी है तो आप रख लेना। तो यहाँ पर मैं कोई सा एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे हमारे कैरेक्टर का ब्लू कलर है तो हम इसको यहाँ पर ब्लू कलर पर सेलेक्ट कर देंगे। अब आपको राइट पे यहाँ से क्लिक कर देना है, तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, मैंने कुछ पीएनजी वगैरह बना रखी है टेक्स्ट की, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बनाना सीखना है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी वीडियो आपको, तो ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा पहले अपने टेक्स्ट को। लगाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करके एक ब्लैक कलर का आपको बैकग्राउंड यहाँ से ऐड कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने कैरेक्टर के यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लगाना है इसको, टू कॉपी आइकन पे क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक इरेज का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके हार्डनेस को 0 कर देना है और साइज को बड़ा कर लेना है। अब जितनी भी लाइन यहाँ पर आ रही है इसको यहाँ पर आपको इरेज कर देना है, ओपेसिटी को 50% रख देना है और अब आपको ये लाइन को इरेज कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पर ये देख सकते हो परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है।
अपने टेक्स्ट को अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं हल्का सा साइज बड़ा कर लूँगा जिससे बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, और हल्का सा आपको रोटेट भी यहाँ पर रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। अब आपको टूल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट पे जाके इसके यू पे आपको जाना है, यू को आपको चेंज करना है, और अब आपको अपने जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको कलर को चला देना है। तो यहाँ से इसको जिस कलर के अंदर आपको टेक्स्ट रखना है तो वो कलर आपको यहाँ से दे देना है। तो मैं यहाँ से इसके यू को चेंज कर देता हूँ, और देख सकते हो इसे भी ब्लू कलर के इफेक्ट में रख देता हूँ, जो हमारे कैरेक्टर का और सैचुरेशन का यहाँ पर 100%। कॉन्ट्रास्ट को भी यहाँ से बढ़ा लेना है, और अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपको डन कर लेना है। अब आपको ऐड फोटो पे दोबारा यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको एक नोक वाली पीएनजी दे दूंगा, नोक वाली पीएनजी को यहाँ से ऐड करके रिमूव बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है। वन क्लिक के अंदर आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, देख सकते हो, और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ आपको लगा देना है, देख सकते हो जहाँ पर मैंने इसको लगाया है। तो यहाँ पर इसको आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर पे जाना है, और यहाँ से आपको हल्का सा बॉर्डर दे देना है। तो यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा हल्का सा, और इधर इस करेक्टर को लगा दूंगा, एनिमी को, नोक वाले को। तो अब आपको दोबारा हेड फोटो पे क्लिक कर देना है, और अब आपको ये हेडशॉट वाली पीएनजी दूंगा उसको लेना आपको, और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना आपको यहाँ से, और इसको भी यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा देना है। अब आपको यहाँ पर बॉर्डर पे चले जाना, हल्का सा आपको बॉर्डर भी यहाँ पर देना दे देना, और अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है। बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। ऐड फोटो पे अब आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने बाद मैं कुछ पीएनजी यहाँ पर ऐड करूँगा एक, तो उस पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक ये मैंने ग्रैंड मास्टर की जो पीएनजी इसको ऐड कर दिया है, और इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ लगा देना है। बॉर्डर पे आपको जाना है यहाँ से, और बॉर्डर भी हल्का सा दे के राइट पे क्लिक कर देना है। ऐड फोटो पे आपको दोबारा से क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट पीएनजी मिलेगी येलो कलर की, उसके यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। साइज को बड़ा कर देना है, ब्लेंड ऑप्शन से स्क्रीन कर देना है, हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे साइज को छोटा करके। और अब आपको यहाँ पर इरेज का आइकन मिलेगा, इरेज पे जाके जितना भी पार्ट है साइड का इरेज कर देना है, और इस तरफ आपको अपने कैरेक्टर के इधर आपको इसको हल्का सा लगाए रखना है। अगर आपको फ्री में डायमंड चाहिए तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे तो आपको मैं फ्री में डायमंड दूंगा, जितने भाई मेरे चैनल पर है। तो इसलिए जितना हो सके चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ऑब्जेक्ट पे जाके इसके यू को आपको चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस कलर के अंदर आपको रखना है। सारी पीएनजी मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी पीएनजी यूज़ करी है टेलीग्राम पे दे दिया है, जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना है, और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन भी दे दूंगा। और ये मैंने थंबनेल जो बनाया है ये मेरे वैसे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं इसको कहीं यूज़ नहीं करूँगा, तो इसलिए आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। जितने भाई ये जाके यूज़ जरूर कर लेना, फ्री में कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, बस चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना होगा, जब भी आपको फ्री में थंबनेल वहाँ जाके टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करना होगा, वहाँ पर आपको फ्री में ये थंबनेल दे दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट को 100% रख देना है, यहाँ पर इसका देख लिया AI इनहेंस से हमने इसको HD कर दिया। अब आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है, और 3 डॉट पे क्लिक करके इसको सेव करके लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको शेयर कर देना है। लाइटरूम एप्लीकेशन भी टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, डाउनलोड जरूर कर लेना है। अब आपको एक प्रीसेट की जरूरत पड़ेगी जो कि बिल्कुल HD में आपके थंबनेल को कर देगा, तो उसके लिए आपको ये प्रीसेट है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी सेटिंग यहाँ से कर देना है आपको, राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो थंबनेल बनाया था उस पे चले जाना आपको, और यहाँ से आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसको पेज सेटिंग जरूर कर देना है, और आपका थंबनेल यहाँ पर तैयार है। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। सारी पीएनजी टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री में डायमंड चाहिए तो जल्दी से चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर करा दो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जितना हो सके यहाँ पर, और पीएनजी वगैरह डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। एप्लीकेशन भी आपको वहाँ पर दे दूंगा, और थोड़ा सा अगर आपको और HD करना है तो इफेक्ट में जाके इसके टेक्चर को और क्लैरिटी को आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है थंबनेल के, तो आपका थंबनेल बिल्कुल HD के अंदर हो जाएगा, और इसके शार्पनिंग को भी आपको 100% यहाँ पर रख देना है। तो थंबनेल देख सकते हो फुल HD के अंदर तैयार हो गया, बिफोर एंड आफ्टर। प्रीसेट भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, डाउनलोड जरूर कर लेना है, यहाँ से इसको आपको सेव जरूर कर लेना है, और जितनी PNG वगैरह सब वहीं मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन भी मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो के साथ।